वेलकम टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर ग्रेट सो दोस्तों हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे बंगाल के गवर्नर जो वॉरिंग हैस्टिंग थे उनके संबंध रोहेलो से कैसे रहे जो अफगानिस्तान के मूल निवासी थे तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ठीक है सबसे पहले हम बेसिक्स से कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो ये रूहेले थे ये कौन थे वास्तव में इनका मूल निवास स्थान कहाँ था और ये कैसे इन्होंने यहाँ पे अंग्रेज़ों से हस्तक्षेप करा और उनसे कई युद्ध करे ठीक है तो चलिए रोहेलों के संबंध में तो ये दोस्तों आपको पिक्चर्स सामने वाले दिख रही होगी ये रोहेले हैं एक्चुअल में ये पठान थे ये अफ़ग़ानिस्तान से आए थे मुग़ल शासन में अफग़ानिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदुस्तान आते रहते थे और मुगल बादशाहों की सेवा में लग जाते थे इनका एक बहुत बड़ा गिरोह अवध के बरेली के पास के प्रदेशों में बस गया उत्तर हिंदुस्तान के लोग इन्हें रोहेल कहते थे उन्हीं रोहेलों के नाम पर इस भूखंड का नाम रोहेल खंड पड़ा रोहेले जंग पसंद थे रोहेले जो थे अफ़ग़ानिस्तान के रहने थे उनको जंग करना या आप ये कह सकते हैं कि वो जंग करने में युद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे ठीक तो इस मारे जो यहाँ के जो मुग़ल बादशाह थे उनमें जो रोहेले थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी क्योंकि उनको युद्ध का पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था वो बहादुर थे निडर थे हुँ? तो अहमद शाह अब्दाली ये देखिए आपके सामने पोट्रे दिख रहा होगा ये है दोस्तों पोट्रे अहमद शाह अब्दाली का अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त इन रोहेलों रु, ने अपना क्षेत्रीय संबंध दिखाते हुए मराठों के खिलाफ अब्दाली की तरफ से जंग में हिस्सा लिया था इसलिए मराठे उन्हें अपना स्वाभाविक दुश्मन मानते थे थे जब पेशवा माधव राव के नेतृत्व में मराठों ने उत्तर यहाँ पे देखिए पेशवा माधव राव का यहाँ पर पोट रहे हैं यहाँ पे देखिए उनका राज सिंहासन हो रहा है यहाँ पे बीच में दोनों तकियों के बीच में बैठे हुए हैं ये हैं दोस्तों पेशवा माधव राव तो जो रोहेले थे जो अफगानिस्तान से आए थे उनकी और मराठों की नहीं बनती थी क्योंकि मराठे किससे लड़ते थे यहाँ के मुगल से लड़ते थे और जो रोहेले थे वो मुगलों का साथ देते तो इनडायरेक्टली यहाँ पर रोहेलों की दुश्मनी मराठों से भी हो गई थी मराठे रोहेलों से भी दुश्मनी करते थे क्योंकि वो मुगलों का साथ देते थे मराठों ने उत्तर हिंदुस्तान की राजनीति में दखल अंदाजी करना शुरू किया तो वे रोहिलों पर भी अपना पुरानी दुश्मनी के कारण हमला करते रहते थे इस वक्त रोहलों का शासन रोहिला सरदारों के एक संघ के ज़रिए हो रहा था जिसका प्रधान हाफिज रहमत खां था वाकीले मराठे वाकीला मराठों का हमला रोक नहीं पा रहा था इसलिए इस मकसद से उसने अवध के नवाब वजीर से मदद मांगी नवाब ने मराठों के खिलाफ रोहेलों से मदद कर मदद का वचन दिया जिसकी वजह से 17 जून 1772 की ब्रिटिश फ़ौजी कमांडर रॉबर्ट वारकी के सामने अवध के नवाब और रोहेलों में एक संधि हुई जिसके मुताबिक रोहेल खंड पर मराठा हमला रोकने या मराठों के खिलाफ रोहेलों की मदद का अवध के नवाब ने वचन दिया बदले में रोहेलों ने नवाब को 40 लाख रुपए देने का वायदा किया यानी जब भी मराठा हमला करेंगे तो रोहेलों पर तो वहाँ के जो नवाब हैं नवाब भी उसका विरोध करेंगे मतलब मराठों के खिलाफ लड़ेंगे तो इसका वचन दिया इसके बदले में रोहेलों ने क्या करा कि जब भी युद्ध होगा अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हम उसके बदले में चालीस लाख रुपए आपको देंगे अब आप देखिए आगे क्या हुआ संधि के लगभग एक साल के बाद सन 1773 यान, यानी सत्रह तो सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी के बसंत में मराठे उत्तर हिंदुस्तान पर चढ़ आए उनकी फ़ौज में रोहेलखंड की सीमा पर पहुंच गई लेकिन उनकी जो फ़ौजें थीं वो रोहिलखंड की सीमा पर पहुंच गई थी लेकिन ब्रिटिश और नवाब की संयुक्त फ़ौजों के आगमन की खबर पर मराठा फ़ौज रोहिलखंड में प्रवेश ना कर सकी यहाँ पे अब क्या हुआ जैसा कि संधि हुई थी यहाँ पर अंग्रेज़ों ने और नवाब की फ़ौज ने मिलजुल कर वहाँ पर जो मराठाओं भी सेना आई थी उनको घुसने नहीं दिया उन्हें खंड की ज़मीन पर कदम रखने का मौका नहीं दिया जिसकी वजह से यहाँ पर मराठाओं को अपने कदम पीछे रखने पड़े उसी वक्त पेशवा माधव राव की मौत हो गई पूना में उप उपद्रव हुए उनकी खबर पर मराठों की मेन फौज मई सन सत्रह में अपनी राजधानी वापस लौट गई इस तरह जंग टल गई अब अवध के नवाब रूहैलों से संधि की शर्तों के मुताबिक चालीस लाख रुपए की मांग की जैसा ही कहा था कि जब भी अंग्रेज़ और नवाब मदद करेंगे रोहेलखंड के रोहेलखंड की तो उसके बदले में जो रोहेलखंड के वहाँ के राजा हैं उसे चालीस लाख रुपए देंगे तो ये संधि हुई थी अब यहाँ पर चालीस लाख रुपए रोहेल के राजा को देना था लेकिन रोहेल खंड सरदार हाफिज़ रहमत खान जिसका नाम था हाफिज़ रहमत खां रुपया देने में आना कानी करने लगा क्योंकि जंग हकीकत में हुई नहीं आखिर में उसने रुपया देने से साफ इनकार कर दिया नवाब वजीर ने रूहैलों को इस उडंता के लिए दंडित करने का इरादा किया अब क्या हुआ जो वहाँ के रोहेल रोहैला सरदार था उसने कहा कि भैया हम तो चालीस लाख रुपए नहीं देंगे क्योंकि युद्ध तो हुआ ही नहीं आपकी सेना तो लड़ी ही नहीं जाके तो इस मारे हम सा हम आपको चालीस लाख रुपए नहीं देंगे अब इससे क्या हो जो नवाब था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया नहीं इन्होंने वादा भी करा था फिर भी इन्होंने नहीं दिया तो उसने सोचा कि अब हम जो रोहेले हैं उनके सरदार हैं इनको हम ज़रूर सबक सिखा कर सबक सिखा कर हम छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए दंडित करने का इरादा किया लेकिन नवाब अकेला रोहेलों को दंडित कर दौलत वसूल कर सकने की हालत में नहीं था इसलिए उसने बनारस संधि की राधाराओं के मुताबिक कंपनी से सैनिक मदद की मांग की काफ़ी सोच विचार करने के बाद वॉरिंग हेस्टिंग तैयार हुआ कंपनी और नवाब में समझौता हुआ कि नवाब रोहेलो के खिलाफ जंग का खर्च भी बर्दाश्त करेगा यानी जो वॉरिंग हेस्टिंग उसको सैनिक सहायता देंगे उसके साथ जितना भी खर्च होगा वो सब कौन वहन करेगा वो सब नवाब को देना पड़ेगा हम तो जो अंग्रेज़ हैं वो तो सैनिक सहायता दे देंगे मगर उसका जितना भी सैनिक सहायता जो हानि होगी और भी उसके बाद जितने के बाद कुछ एरिया कुछ ज़मीन भी आपको वॉरिंग हेस्टिंग को यानी ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेगी ये कुछ संधियाँ हुई कंपनी और नवाब में समझौता हुआ कि नवाब रोहेलों के ख़िलाफ़ जंग का खर्च भी बर्दाश्त करेगा इसके अलावा कंपनी के चालीस लाख रुपये भी अदा करेगा और जो 40 लाख रुपए देने जो रोहेलों ने माँ वादा किया था वो भी देगा अगर जीत जाता हकीकत में रोहेलो खंड का खंड एक उपजाऊ प्रदेश था इसलिए नवाब उससे हथियाना जाता था उधर वॉरिंग हैस्टिंग का विचार था कि रोहेल खंड पर अवध का अधिकार हो जाने से वह कंपनी के दोस्त राज्य के अधीन हो जाएगा इस तरह मराठों के अधिकार में जाने से बच जाएगा इस तरह अवध कंपनी और मराठों के बीच एक ताकतवर दोस्त और बफर राज्य का काम करेगा इन स्वार्थों से प्रेरित नवाब और कंपनी की संयुक्त फौजों ने रोहेलखंड पर हमला किया चेत सिंह अब उसके बाद क्या हुआ जो अंग्रेज़ ने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो एरिया था वो हथिया लिया अब कुछ दोस्तों अब आते हैं चेत सिंह से संबंध सन 1775 सौ ईस्वी की कंपनी और अवध के नवाब की संधि के मुताबिक नवाब ने बनारस को कंपनी को सौंप दिया था बनारस वाराणसी राज्य की स्थापना इसी वक्त अशांत माहौल का फ़ायदा उठाकर साहसिक चेस सिंह हुआ इस समझौते के मुताबिक चेस सिंह कंपनी के अधीन हो गया वह कंपनी को पच पच्च, सौ पच्चीस लाख रुपये सालाना कर देता था जिसमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी लेकिन एक लिखित समझौते के मुताबिक मुश्किल के वक्त कंपनी की मदद करने की उसे मजबूर कर दिया गया था मराठों के लंबे समय के संघर्ष के कारण कंपनी की आर्थिक हालत डावाडोल थी इंग्लैंड इस वक्त अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बुरी तरह फंसा हुआ था इस ग्रह प्रदेश से कंपनी को आर्थिक मदद मिल पाने की कोई उम्मीद ना थी इसलिए मराठे और हैदर अली से जंग के लिए उसने चेत सिंह से सालाना कर के अलावा पाँच लाख रुपयों की मांग की राजा ने रुपए दे दिए दो सालों बाद फिर मांग दोहराई गई कुछ बहस के बाद राजा ने इस रकम का भी भुगतान कर दिया फिर उसे दो हज़ार घुड़सवारों की मांग की गई लेकिन राजा के विरोध पर संख्या घटाकर एक हज़ार कर दी गई लेकिन राजा घुड़सवार नहीं दे सका ग़ुस्से में हेस्टिंग ने राजा पर पचास लाख के जुर्माने की सज़ा लगाई और वसूल करने बनारस वाराणसी पहुँच गया राजा हेस्टिंग की छावनी में पहुंचा, माफ़ी मांगी लेकिन हेस्टिंग नहीं मांगा माना बनारस आकर राजा चेत सिंह को कैदी बना लिया राजा ने तो ये बदनामी बर्दाश्त कर ली लेकिन बनारस की आवाम व राजा के सैनिक अपनी राजधानी में अपने राजा की बेजती सह ना सके वे बगावत कर बैठे बहुत से अंग्रेज़ सैनिक मार डाले गए बड़ी मुश्किल से हेस्टिंग अपनी जान बचा सका इसका फायदा उठाकर राजा अपने खजाने के साथ ग्वालियर चला गया बाद में बचे हुए सैनिकों के दस्ते की मदद से बगावत को दबा दिया गया बनारस का राज्य चेत सिंह के भतीजे को दे दिया गया उसने कंपनी को दुगना लगान देने का भरोसा दिया स्मिथ और फॉरेस्ट जैसे तारीखकारों ने हालातों को गंभीरता के आधार पर हेस्टिंग के इस काम को सराहा है जो सही नहीं अगर रुपयों की ज़रूरत थी तो इस सख्त और बेज़ती वाली पॉलिसी को अपना अपनाना सही नहीं था ये भी कहा गया कि चेस सिंह आम ज़मींदार था ऐसी हालत में नए तरह की लगान कंपनी के अधीन सभी ज़मींदारों पर लगाना चाहिए था सिर्फ चेस सिंह पर ही ये लगान क्यों लगाया गया राजा का सलूक भी रिटाई से भरा बगावत भरा और सजा देने लायक नहीं था राजा के सिपाहियों ने बगावत चेसिंग के कैदी बनाए जाने के बाद किया हकीकत में चेसिंग के लिए हेस्टिंग का सलूक बदला लेने के लिए था तारिकारों ने जिस हालत की गंभीरता के आधार पर हेस्टिंग का समर्थन किया है वह काम भी पूरा नहीं हो सका राजा खजाने का आधा हिस्सा लेकर भाग गया बाकी लगभग तेईस लाख रुपए सिपाहियों ने लूट कर आपस ने बांट लिए इस अभियान से कंपनी को सिर्फ सैनिक कार्य का खर्च ही मिल सका इसलिए हेस्टिंग का सलूक नैतिक नज़र से सही नहीं वैधानिक नज़र से गलत और उपयोगिता की नज़र से बेवजह था उसका सलूक उसके प्रशासन पर धब्बा है जिसका मकसद साबित नहीं किया जा सकता अवध की बेगमों से संबंध तो so, अब हम अवध की बेगमों से संबंध कैसे थे वार्न हेस्टिंग एवं हम देखेंगे मराठों से जंग और हैदर अली के ज़रिए शिकस्त किए जाने के कारण ये दोस्तों हैं आपके हैदर अली सामने वाले पोर्ट्रेट देख सकते हैं हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हालत आखिरी हालत को पहुंच गई थी इस सत्यानाशी हार के कारण कंपनी को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा था जंग को आगे चलाने के लिए दौलत की जरूरत थी इसलिए हेस्टिंग का ध्यान अवध की तरफ गया अवध का नवाब वजीर कंपनी का कर्जदार था मराठों की हिफाजत और रुहेल खंड पर अधिकार के लिए रखी गई ब्रिटिश फ़ौज का खर्च नवाब ने अभी तक नहीं दिया था वह दौलत दे पाने की हालत में भी नहीं था क्योंकि उसकी माँ और दादी जो अवध की बेगमों के नाम से मशहूर थी उन्हीं के अंदर अवध की आधी जागीरें थीं ख़जाने पर भी उन्हीं का अधिकार था इसलिए नवाबों ने हेस्टिंग से साफ़ कहा कि वह रुपए तभी दे सकेगा जब उसे बेगमों के ख़जानों और जागीरों का अधिकार मिले लेकिन कलकत्ता काउंसिल ने बेगमों की जागीरों और खजानों खजाने के संबंध में गारंटी दिया था कि मुस्तबिल में उनसे और मांग ना की जाएगी क्योंकि पिछले दिनों में दो बार में बेगमों ने पाँच लाख साठ हज़ार पाउंड का भुगतान किया था अवध के रेजिडेंट ने कंपनी के कर्ज चुकाने के लिए बेगमों की जागीरों और खजान ख़जाने के इस्तेमाल के सुझाव दिए हेस्टिंग को रुपए की ज़रूरत थी इसलिए उसने कौंसिल की गारंटी की परवाह किए बग़ैर अंग्रेज़ रेजिडेंट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जब नवाब ने अपने इन संबंधियों से गुस्से के आगे हिचकचाहट दिखाई तो हैस्टिंग ने उसे न सिर्फ उकसाया बल्कि अंग्रेज़ सिपाहियों के जरिए नवाब की मदद भी की अंग्रेज़ सैनिकों की मदद से नवाब फैज़ाबाद गया वहाँ बेगमों के हिजड़े रक्षक को सख्त सजा दी हिजड़े भाग भगा दिए गए बेगमों को उनका ख़जाना छोड़ने को मजबूर किया गया स्मिथ ने वक्त की ज़रूरत के आधार पर हेस्टिंग के इस काम को सही साबित करने की कोशिश की है साथ ही स्मिथ की ये भी मानना है कि हिंदुस्तान मानक के मुताबिक बेगमों से नरम सलूक किया गया था जबकि फॉरेस्ट का विचार है कि अवध में जो कुछ हुआ कलकत्ता में रहते हुए हेस्टिंग को उसका जिम्मेदार नहीं माना जा सकता लेकिन इन दलीलों से हेस्टिंग को बेकसूर साबित नहीं किया जा सकता पूरी घटना को देखने से साफ़ है कि हेस्टिंग शुरू से आखिर तक घटना से जुड़ा रहा उसने न सिर्फ नवाबों को उकसाया बल्कि बेगमों के प्रबल गुस्से को दबाने के लिए अंग्रेज़ सैनिकों की मदद भी दी स्मिथ के हिंदुस्तानी मानक के नरम सलूक को भी आसानी से समझा नहीं जा सकता बेगमों के साथ सख्ती नहीं बल्कि जुल्म का सलूक किया गया क्योंकि रेसिडेंट मिडल्टन विस्टो ने वसूली के जिन नरम उपायों का सुझाव दिया था उन्हें स्वीकार नहीं किया गया नवाब बराबर खिलाफ था लेकिन उसके मंत्री ने हेस्टिंग के सुझाए हुए उपायों में नामंज़ूरी नफ़रत और गुस्से का तरीक़ा अपनाया इसलिए इस नागवार काम का हेस्टिंग ही मेन करता धरता था अपने बचाव में हेस्टिंग ने कहा था कि बेगमें बनारस के राजा चेस सिंह से अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मिली हुई थी हकीकत में अगर बेगमे अंग्रेज़ों के खिलाफ बागी सोच रखती थी तो हैस्टिंग को इसका सबूत पेश कर उनसे इसकी जवाबदेही भी मांग सकता था लेकिन उसने ये नहीं किया जिससे साफ़ है कि बगावत का आरोप घटना के बाद उस वक्त तैयार किया गया जब पूरे काम को सही साबित करने की ज़रूरत पड़ी बेगमों के ख़िलाफ़ साजिश का कोई भी सबूत नहीं मिलता इसलिए साफ है कि हेस्टिंग किसी भी तरह दौलत चाहता था दौलत पाने के लिए उसने सही गलत का उसने गौर नहीं किया पूरी घटना बिल्कुल ही दुखद और शर्मनाक थी तो ये दोस्तों थे यहाँ पर जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनके नवाबों से संबंध और रोहेलों से ठीक है तो ये पूरी दोस्तों वीडियो थी आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ, समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटिव और भी वीडियो देखते हैं तो आप मेरी प्ले में जा सकते हैं मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराए तब तक के लिए टिल डेन टेक केयर गुड बाय